हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। ये जो डबल पहिया लगा होता है इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ कैसे है। अब ये देखो, एक टायर नीचे से गया ना, ये थोड़ा सा मिट्टी गीली है तो ये टायर नीचे से गया, ये टायर ऊपर से। लेकिन जो बकेट होता है वो सीधा ही रहेगा। देखो वो अपने बैलेंस बना लिया, वो दोनों टायर ऊपर नीचे होके, और ये दोनों टायर बराबर में चला गया। अभी दिखाता, फिर दोबारा जाएगा, दिखा रहा हूँ जो है। कि दोनों बराबर ही से गया है, लग रहा टाइट मिट्टी पा गया है, थोड़ा सा नीचे है ये वाला। और दोनों टायर का ये फायदा होता है, ये वाइब्रेशन जो होता है वो नहीं होता है। नहीं तो ये अगर इस तरह जाएगा ना, जैसे जुताई होती है तो लीक बनी होती है ना उसमें हर की, तो दो टायर अगर आपस में बराबर में रहेंगे तो जंप करेगा, जैसे कूदेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ऐसे टायर आपस में ऊपर नीचे से होगा और बकेट बराबर चलेगा। जहाँ पे ट्रैक्टर पहुँचा वहाँ थोड़ा ऊंचा है। उधर अपना खरगोश खड़ा है। उसके सामने 855 कछुआ है। आइसर की 242 स्पीड बहुत ज़्यादा है 855 से। यहाँ मिट्टी छोड़ दिया, आइसर का एवरेज है 3 लीटर प्रति घंटा और इसका है 5 लीटर प्रति घंटा। 4 भी खाता है, 5 भी खाता है, वो 1 लीटर में 17 किलोमीटर जाता है आइसर। और खेत में ज़्यादा तेल पीता है, सड़क पे कम पीता है।